बहुत बार कह चुका हूं कि हमारे लिए जो जरूरी होगा वो ये है कि जो हमने पिछले सीरीज में किया उससे अच्छा हम कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि कल जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना मैच के बाद, ये चीज वो नजर आई है कि न्यूजीलैंड टीम को टेल का जोर लगाना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं टेस्ट मैच जीतेंगे, बेशक आपने 350 रन की लीड ले ली है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे विकेटें नहीं मिलेंगी जैसे पहली इनिंग में मिल गई है। इंडिया ड्रॉ के लिए नहीं खेल रहा है, चाहे हार चाहे मैच, वो खेल ही रहा है जीतने के लिए कि हम आएंगे दोबारा आएंगे दोबारा आएंगे। 356 के बाद अगर इंडिया ये मैच जीतता है ना, जिस तरह 2 दिन में बांग्लादेश को हराया था ना, तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये पहली टीम 46 रन करके मैच जीतने के करीब जा रही है, और वो जीतने पर जाएंगे क्योंकि उनके जहन में WTC का फाइनल है। तुम तो नया इतिहास लिखोगे, तो मैंने तुम्हें 150 दिया है कि तुम 150 से ऊपर बनाओ तो तुम फिर गुड नहीं ग्रेट प्लेयर बनने की तरफ चल पड़ोगे। पाकिस्तान मीडिया और इंडिया मीडिया के लोगों को किस चीज की तकलीफ है क्रिकेटर से, मुझे ये बता दो। इसी तरीके से विराट कोहली के बारे में भी, वो वहां बैठ के मीडिया में बातें हो रही है। क्या किया हम, बोलती बंद कर दी ना 70 करके, बेशक 100 नहीं किया 70 करके बोलती बंद कर दी। नहीं बोलती बंद की, गौतम गंभीर ने फ्री हैंड दिया हुआ है कि खेलो, लेकिन जीतने के लिए खेलना, टुक टुक नहीं करना ड्रॉ के लिए। चाहे आप इंडिया के 8 भी आउट हो जाए ना, इंडिया ड्रॉ के लिए निकली है। इंडियन टीम ने वैसा कमबैक करके दिखाया, क्यों ना करे। नंबर वन टीम है, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं। हमारी टीम की तरह थोड़ी है कि 200 रन की लीड मिली हो तो हम 150 पे आउट हो जाएं। वो एक क्वालिटी बैटिंग लाइनअप है, उनको पता है कि इंडिया कैसे कमबैक कर सकती है। नंबर वन टीम क्यों बने हुए हैं, बिलीव होना चाहिए, और इंडियन टीम में वो नजर आया। कोहली के नाम की बच्चोदिया ना करो, सॉरी यार गंदा वर्ड निकल गया, कोहली के नाम की बकवास करके उसे बैच ना करो। ये बताओ उसके जाने से पहले कौन इंडिया को बड़ी क्रिकेट में जितवाएगा। तो सरफराज तुम्हें वो मौका ऊपर वाले ने दिया है कि तुम वो पहले आदमी होगे मेरे भाई कि तुम वो रन कर दो। बहुत हटती है मेरी तुम सबो से, पता नहीं किस चीज की वो बनी हुई है, दो आने का पता नहीं तुम लोगों को क्रिकेट का, ठीक है, और आके यहाँ बैटिंगे सिखा रहे होते हो, बॉलिंगे सिखा रहे होते हो, चाहे पाकिस्तान के मीडिया के लोग हैं या इंडिया के मीडिया के लोग हैं। क्योंकि 4 ओवर जिस तरह आज विराट खेला है ना, मैंने अपनी लाइफ में सदा नहीं देखा। लग रहा था जी नजर लग जाती है, मुझे तो ऐसे लगता है कि खूब खेला, 70 की जगह 170 होता ना तो मजा आता, लेकिन आखिरी ओवर में फिलिप्स भाई जब भी आते हैं आउट कर जाते हैं। अनलकी रहा रोहित शर्मा, जितना खेला भाई क्लास है रोहित शर्मा की, कि पता चलता है कि कोई बैट्समैन खेल रहा है, कोई हंगर नजर आ रही है कि मैं अपनी टीम को प्रेशर से निकाल के लेके जाना है। और अगर पार्टनरशिप लग गई कम से कम 100-125 की, और आखिरी दिन 225 रन करने हो, 225 से 250 रन, फिर इंडिया नहीं जीते और अपना न्यूजीलैंड नहीं जीतेगा। क्यों? कि जिस तरह बॉल ब्रेक होगा, जिस तरह बॉल क्रैक्स पड़े हुए, अनइवन ऊपर नीचे होगा, प्रॉब्लम होगी। 250 रन इतने आसान नहीं होंगे। सरफराज क्या कमाल खेला, उसने स्कोर बोर्ड रुकने नहीं दिया। आप देखें कि 231 रन बन गए हैं, 3 आउट है 49 ओवरों में, तो 4.71 रन पर ओवर के साथ खेले हैं, तो तब भी आप प्रेशर रिलीज कर सकते हैं ना अपनी टीम पे। यानी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दिखाई, जहां पे जो टीम 46 के ऊपर ऑल आउट हुई उसके बाद उसका चांस हो मैच जीतने का, इसका मतलब है कि उसने बहुत औसम क्रिकेट खेली है। नहीं दोस्तों, तो दोस्तों पहली इनिंग में 46 रनों पर ऑल आउट होने वाली टीम आज जिस तरह से दूसरे इनिंग में कमबैक दिखाई है, पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि आखिरकार किस तरह से भारतीय टीम कर लेती है। जबकि यही अगर हमारी टीम होती तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती और घुटने टेक देते, लेकिन जिस तरह से भारत ने न्यूजीलैंड के सामने फाइट बैक किया है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने 402 रन बनाए पहले इनिंग में और भारतीय टीम 46 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी, लेकिन उसके बाद से जब भारत ने कमबैक किया तो रोहित शर्मा ने शानदार हाफ सेंचुरी का स्कोर किया, जिसके बाद से वो अनफॉर्चुनेट रहे आउट हो गए, लेकिन उसके बाद सरफराज खान और विराट कोहली ने शानदार मिलकर दोनों ने 70-70 की पारी खेली है, लेकिन जिसमें विराट कोहली आउट हो चुके हैं लेकिन सरफराज खान अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। गौतम गंभीर ने फ्री हैंड दिया हुआ है कि खेलो, लेकिन जीतने के लिए खेलना, टुक टुक नहीं करना ड्रॉ के लिए। चाहे आप इंडिया के 8 भी आउट हो जाए ना, इंडिया ड्रॉ के लिए नहीं खेले। द वे ऑफ प्लेइंग आप देखें ना, 49 ओवर्स में 231 है, ऑलमोस्ट 5.5-4.5 से ऊपर की एवरेज है, सही है, और 3 आउट है जिसमें से कच्चा प्लेयर ने बैट शॉट मारा। अगर कल सुबह के सेशन में लीड उतर जाती है, क्योंकि 231 हो गए, 356 की लीड है, तो अभी चाहिए 125 रन, क्योंकि एक ग्राउंड पे रन रोकना मुश्किल होगा, तेज ग्राउंड है ना। अगर अब ये देखना है कि आया पंत आएगा बैटिंग करने या कौन आएगा, मेरे हिसाब से पंत अगर आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है, वेलिंगटन को जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, यहां से
अर्ली ऑन जिस तरह अगर उन्होंने दो या तीन आउट कर लिए लंच सेशन में, फिर तो न्यूजीलैंड ले जाएगा मैच, और अगर पार्टनरशिप लग गई कम से कम 100-125 की, और आखिरी दिन 225 रन करने हो, 225 से 250 रन, फिर इंडिया नहीं जीते और अपना न्यूजीलैंड नहीं जीते। मैं कहता हूं कि कल जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना मैच के बाद, ये चीज वो नजर आई है कि न्यूजीलैंड टीम को टेल का जोर लगाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं टेस्ट मैच जीतेंगे। बेशक आपने 350 रन की लीड ले ली है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे विकेटें नहीं मिलेंगी जैसे पहली इनिंग में मिल गई है। कल सिर्फ 2 घंटे पिच ऐसे खेली है, जो एक्स्ट्रा बाउंस और सीम हुआ उसके बाद पिच टिपिकल जैसे टेस्ट मैच में होनी चाहिए, जैसे फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलती, जो मेहनत करे, स्पिनर्स को भी मेहनत करनी पड़ रही है, बैट्समैनों को भी मेहनत करनी पड़ रही है, ये है टेस्ट क्रिकेट की पिच। और मेरे ख्याल से इंडियन टीम ने वैसा कमबैक करके दिखाया, क्यों ना करे, नंबर वन टीम है, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं। हमारी टीम की तरह थोड़ी है कि 200 रन की लीड मिली हो तो हम 150 पे आउट हो जाएं। वो एक क्वालिटी बैटिंग लाइनअप है, उनको पता है कि इंडिया कैसे कमबैक कर सकती है, नंबर वन टीम क्यों बने हुए हैं, बिलीव होना चाहिए, और इंडियन टीम में वो नजर आया। थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ जयसवाल पे, जैसे उसने शॉट खेली है, जैसे स्टंप हुआ, मुझे लग नहीं रहा था कि वो स्टेडियम में छक्का मारने गया, मुझे लग रहा था कि वो कोई छक्का मारने के बाद कोई बॉल, कोई जहाज जा रहा था, प्लेन जा रहा था, उसको मारने गया छक्का। तुम तो नया इतिहास लिखोगे तो मैंने तुम्हें 150 दिया है कि तुम 150 से ऊपर बनाओ तो तुम फिर गुड नहीं ग्रेट प्लेयर बनने की तरफ चल पड़ोगे। देखिए मैं थोड़ा चल पड़ोगे कि तुम ग्रेट प्लेयर बनने जा रहे हो, बाकी कोई बनता है बने। फिर पंत अगर बैटिंग करता है तो पंत भाई तुम्हारा काम है, तुम्हारी फ्लैम्बोयंस, तुम्हारा अग्रेशन, तुम्हारी पॉजिटिविटी, जितनी भी फिटनेस है, मैं तुम्हें ज्यादा बड़ा टास्क दे ही नहीं रहा, तुम कर दो 60-70-23, ये मिलेगा मोमेंटम। और अगर इंडिया की अगली विकेट की आने वाली सुबह जो विराट के बाद पार्टनरशिप शुरू होगी, चालू होगी, उस पार्टनरशिप में ये 100 रन प्लस बन गए तो इंडिया ये मैच जीतने की तरफ जा रहा है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि आखिरी ओवर में आउट हो गया विराट, आखिरी ओवर कोई बात नहीं, खिलाड़ी है, खेल रहा है, आउट भी होगा, वो क्या जिंदगी में थोड़ी खेलेगा कोई, ठीक है, मगर ये जो मोमेंटम देना था टीम को आज 6.5-6.5 रन से वो दोनों खेल के गए सरफराज और विराट, हालांकि बैक टू बैक विकेट गिरी है, जयसवाल के फौरन बाद रोहित शर्मा भी चले गए, बड़ा अनफॉर्चुनेट गया, जयसवाल की तो विकेट चले वो तो ठीक है, वो रवि शास्त्री ने कहा इज अ रश ऑफ ब्लड, और इनका प्लान भी यही था कि इजाज पटेल का बॉल ब्रेक होने से पहले किल करो उसको, यानी कोहली के नाम की बचोदिया ना करो, सॉरी यार गंदा वर्ड निकल गया, कोहली के नाम की बकवास करके उसे बैच ना करो, ये बताओ उसके जाने से पहले कौन इंडिया को बड़ी क्रिकेट में जितवाएगा। तो सरफराज तुम्हें वो मौका ऊपर वाले ने दिया है कि तुम वो पहले आदमी होगे मेरे भाई कि तुम वो रन कर दो। बहुत हटती है मेरी तुम सबो से, पता नहीं किस चीज की वो बनी हुई है, दो आने का पता नहीं तुम लोगों को क्रिकेट का, ठीक है, और आके यहाँ बैटिंगे सिखा रहे होते हो, बॉलिंगे सिखा रहे होते हो, चाहे पाकिस्तान के मीडिया के लोग हैं या इंडिया के मीडिया के लोग हैं, मतलब रिलैक्स करने दो भाई, प्लेयरों को रिलैक्स भी देना होता है, मतलब क्या तकलीफ हो गई है कि अगर 8-10 इनिंग विराट कोहली की अगर उसने 250-150 किया हुआ था 9 इनिंग में तो क्या तकलीफ हो गई थी, मतलब आप लोग कहते घर छोड़ दे, मतलब क्रिकेट छोड़ दे, तुम लोग ज्यादा ठीक हो, इसी तरीके से बाबर के पीछे पड़े हुए थे, उसका सत्यानाश कर दिया, मेंटली गिरा गिरा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस शानदार कमबैक को लेकर काफी ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों की प्रेज कर रही है, क्योंकि जिस तरह से पहले इनिंग में भारत ने 46 रनों पर ऑल आउट हुई थी उसके बाद से सभी लोग भारतीय टीम को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे, लेकिन मतलब अनफॉर्चुनेट रहे कि वो बारिश आई थी अगले दिन, मतलब पहले दिन बारिश आई थी, उसके भी बाद मतलब पिच काफी ज्यादा गीली हुई थी, जिस वजह से रोहित शर्मा ने जो टास्क करने का फैसला, जो बैटिंग का फैसला लिया वो खराब लिया था, क्योंकि उन्होंने टास्क जीतकर बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन वो मतलब बॉलिंग के लिए काफी ज्यादा मतलब फ्रेंडली हो गई थी, जिस वजह से भारतीय बल्लेबाज उस पिच पर खेल नहीं पा रहे थे, उसके बाद से 46 रन बनाकर ऑल आउट हुए। लेकिन जब इंग्लैंड मतलब न्यूजीलैंड की टीम आई बल्लेबाजी करने के लिए तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए, तब तक पिच काफी ज्यादा रफ हो गई थी और उन्होंने 402 रन बना लिए, लेकिन जब दूसरे इनिंग में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो शुरुआत में काफी जबरदस्त शुरुआत हुई, क्योंकि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल शुरुआत में इनिंग अच्छा खेलना शुरू किए, लेकिन यशस्वी जायसवाल आउट हुए, उसके बाद रोहित शर्मा ने 53 रन बनाए, उसके बाद से जब विराट कोहली और सरफराज खान ने मतलब पारी को संभाला, मतलब दोनों ने 70-70 का इनिंग खेला, लेकिन मतलब सेशन एंड होने के बाद जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए, उसके बाद से भारतीय टीम एक मतलब अच्छे टोटल की मतलब फाइट के लिए जा रही है, लेकिन अगर कल मतलब पूरी तरीके से अगर कल दिन पूरा मैच खेल जाएगी भारतीय टीम तो पूरी तरीके से न्यूजीलैंड मतलब घुटने टेक देगी, और भारतीय टीम पूरी तरीके से कमबैक करने के लिए
तैयार है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि ये मैच कौन जीतेगा, भारत जीतेगा, न्यूजीलैंड जीतेगा या ड्रॉ होगा? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।